हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या है? जब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, चलते जाएंगे आगे, और ये नेगेटिव नंबर्स हैं, चलते जाएंगे आगे। इनके अंदर जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं 0.1 और 1.1, 1.2, ये सारे जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। अब हम एक बार देख लें होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं जो जीरो से शुरू होता है, जीरो से जब शुरू हो जाते हैं नंबर्स तो वो होल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जब वन से नंबर्स शुरू होते हैं, सो ऑन, तो वो नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कभी तोड़े ना जा सके और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रूट थ्री जो है, अब इसको तोड़े ना तो टूटेगा नहीं, फैक्टर्स नहीं बनेंगे, रूट पाई की वैल्यू हो गई, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये टूटेंगे नहीं और इनको हम फैक्टर्स नहीं कर सकते। इनको डिवाइड करते जाएंगे तो इनका जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर जो होगा वो जीरो कभी नहीं आएगा। और एक होते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो टूट जाते हैं, जिनके फैक्टर्स बन जाते हैं, जैसे 49, 7 आ गया, 7 × 7 करेंगे और ये 7 आ गया, रैशनल नंबर के फैक्टर्स बन जाते हैं। और रैशनल नंबर जो होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो ये तो हो गया इंट्रो। 1.1 का क्वेश्चन 1 करने से पहले हम इक्विलिट्स डिवीजन लामा को एक बार दोबारा डिवाइज कर लेते हैं, उसके अंदर हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड का फॉर्मूला उसमें ये रखना है, ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब एग्जांपल में देखो, ए जो है जिसको डिवाइड करना है, बड़ा नंबर, वो अंदर जाएगा, बी से हम डिवाइड करेंगे, और जब हम यहाँ पर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर यहाँ आता है और एक नंबर यहाँ आता है, फिर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं और नीचे हमारा रिमाइंडर आर आ जाता है। इस इक्वेशन का ये मतलब है कि जीरो जो है, या तो वो r जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, यहाँ r जो होता है हमारा कभी कभी जीरो भी आ जाता है, या फिर r बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पर रिमाइंडर भी बन सकता है, जीरो से बड़ा भी आ जाएगा, 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है रिमाइंडर में। और r जो है हमारा, ये r जो है ये इससे हमेशा लेस होगा, b से लेस होगा जिससे हम डिवाइड कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ये क्वेश्चन देखो, 45 और 6 को डिवाइड करना है। 45 बड़ा नंबर है, अंदर चला जाएगा, दैट मीन्स ए मेरा 45 हो गया और बी मेरा 6 हो गया, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। 6 का टेबल काउंट करेंगे तो 45 से छोटा नंबर आना चाहिए, तो 6×7=42। माइनस करेंगे तो यहाँ 3 आ गया। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन थी ए बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ए हमारा 45 है तो मैंने ए की जगह 45 लिख दिया, b मल्टीप्लाई क्यू मीन्स b मेरा ये था तो मैंने 6 यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई क्यू मेरा ये था तो मैंने 7 की जगह क्यू की जगह 7 लिख दिया, और प्लस r मेरा 3। अब देखो, मैंने यहाँ पर बोला था जो r है वो जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और ये वाला जो नंबर होगा r लेस देन b, तो रिमाइंडर जो है मेरा b से हमेशा छोटा आएगा। तो ये इक्विलिट डिवीजन लामा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 करेंगे।